नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और लगातार ये आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक तरफ किसान आंदोलन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये मांग की गई है कि दिल्ली के लिए जो रास्ता है वो हमारे लिए पूरी तरीके से खोला जाए। साथ ही जो बैरिकेडिंग की गई है, जो तमाम कटीले तार लगाए गए हैं, उनका जिक्र इस याचिका में किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इसी किसान आंदोलन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से किसानों का चोला पहनकर कुछ खालिस्तानी अपना एजेंडा जो है इस किसान आंदोलन की आड़ में चला रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ युवा हैं जो कि भिंडरवाला की तस्वीर जो है वो पोस्टर लगाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर एक सिख जो व्यक्ति है वो उन्हें रोकता है, मना करता है और इस तरीके से वो उन्हें भिंडरवाला की ये तस्वीर लगाने नहीं देता है। तो इस तरह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर वी वॉन्ट खालिस्तान तरीके के पोस्टर जो हैं इस आंदोलन में दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो वाकई अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि अपने खालिस्तान के एजेंडे के तहत इसमें काम कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनकाब करने का काम इस तस्वीर ने किया है, जहां पर भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर हंगामा हुआ और इस हंगामे के दौरान एक राष्ट्रवादी जेट सिख की तरफ से जो भिंडरावाला के सहयोगी थे, जो समर्थक थे, उन्हें इस तरीके से जवाब दिया गया और पोस्टर लगाने नहीं दिया गया। तो ये दो तस्वीरें हैं जो इस आंदोलन से निकलकर सामने आई हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बीते 11 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि पंजाब से आए ये हजारों किसान जो है वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन इन किसानों में ही खालिस्तानी भी घुस आए हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरवाला और साथ ही इन अन्य खालिस्तानियों की तस्वीरें जो हैं उनके साथ ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट में मामले की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि याचिका दायर की गई है, दिल्ली की सीमाएं खोली जाए ये मांग इस याचिका में की गई है। याचिका में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को यानी केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि बैरिकेडिंग, लोहे की किले और साथ ही किसानों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनब्लॉक किया जाए। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर ये तमाम लोग जुटे हुए हैं और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर तैयारियां जो हैं हरियाणा पुलिस प्रशासन और साथ ही केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात की हैं उसकी वजह से ही ये तमाम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की है जिसमें मांग कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगा, क्या कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा देखना। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से इस किसान आंदोलन में भी फूट पड़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े अलग अलग संगठन हैं वो दरअसल अलग अलग विचार जो हैं इस आंदोलन को लेकर उनके हैं और तमाम संगठनों का समर्थन भी इस आंदोलन को नहीं मिल रहा है, और यही वजह मानी जा रही है कि ये आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि इस आंदोलन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान
राजस्थान के किसान शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान इसमें देखने को मिल रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर झूठ इस आंदोलन को लेकर फैलाया जा रहा है, जहां पर तमाम तरह के कहीं ना कहीं टूलकिट एक तरीके से चलाई जा रही है कि ताकि जो किसान हैं वो अपने खेती बाड़ी छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े। और किस तरीके से इस आंदोलन में बड़े बुजुर्गों को शामिल किया जा रहा है और उसका असर यह हो रहा है कि आंदोलन में कई लोगों की जान जा चुकी है, हार्ट अटैक की वजह से जान जा चुकी है। इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर क्योंकि भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर इन तमाम उपद्रवियों ने जो किसानों की आड़ में उपद्रव मचा रहे हैं, उन्होंने दरअसल ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है, हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश की है, तो इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और उसमें उन्हें परेशानी हो रही है, उनकी जान जा रही है। तो ऐसे में जब इन लोगों की जान जा रही है तो यही किसान नेता ये आरोप केंद्र सरकार पर और हरियाणा सरकार पर लगा रहे हैं कि किसानों की हत्या जो है वो मोदी सरकार कर रही है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, उन पर FIR होनी चाहिए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच किसान नेता गिने चुने किसान नेता हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्योंकि ज्यादातर संगठन इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये कहते हुए कि हम शांतिपूर्ण बातचीत जो है सरकार के साथ चाहते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो MSP का मुद्दा हो, कर्ज माफी का हो या फिर पेंशन की बात हो, तो इसको लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बातचीत चाहते हैं, लेकिन इस तरह का उपद्रव वो भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ किसान नेता लगातार इन लोगों को भड़काते नजर आते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। दोस्तों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वेले तुसी देख रहे हो कि जिस तरह मल्लो पिंड दे नौजवान शुभकरण सिंह दे इस आंदोलन दे विच शहादत तो बाद पूरे देश दे अंदर माहौल गमगीन बनिया होया है। असी हर उस वीर दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां जो इस गमगीन माहौल दे विच इस दुख दे समय ते अज इस मोर्चे दे नाल उस पीड़ित परिवार दे नाल खड़ के दर्द बनाउण दा यतन कर रहे ने, जिन्हां जिवें साडे सत्कारयोग हाईकोर्ट दे वकील साहिबाना वल्लों स्ट्राइक कीती गई है। असीं तहे दिलों धन्नवाद करदे हां साडे वकील वीरां दा। सानू यह भी खबर मिलिया ने कि कुछ लोग साढ़े उन्होंने वकील वीर दबाव पा रहे ने कि ये तुसी गलत कर रहे हो, तो यदा मतलब यह निकलता है कि सानू सबनों समझ लेना चाहिए है कि देश का ढिड भरने वाला अन्नदाता जो आपदी हकी मंगा दे बाहर निकलिया है, आपदी मंगा लेके बाहर तुरै है, तो सरकार किस तरीके दे नाल उन्हां दे नाल पेश आ रही है। और उस वेले हर वो भारत का बछिंदा जिहड़ा महसूस करता है कि जेकर असीं पेट भर के रोटी खाने हैं तो वह किसानों की बदौलत है, वह इस दुख की घड़ी दे विच परिवार नाल और इस मोर्चे दे नाल पूरी तरह खड़ा है। और उन्हां सब दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं, जिस तरह बहुत सारे होर समाज सेवी जथेबंदियां होर वख वख तरह दियां धार्मिक संस्थावां वल्लों साडे इस वीर दे नाल साडे इस बच्चे दे नाल हमदर्दी प्रगटाउंदियां अज प्रोग्राम कर रहे ने कि बई काले दिवस दे तौर दे उत्ते अज दा दिन मना के, जिवें वकीलां ने प्रोग्राम लिया है कि बई असीं अज दा दिन पूरा हाईकोर्ट नहीं पूरे पंजाब दे सारिया कोर्टा वकील हड़ताल करे। और मैं दूसरे भी सारे वीर अपील करूंगा, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, होर ट्रांसपोर्टर वीर, होर व्यापारी वीर, कृपा करके इस गल जरूर सहयोग दो, क्योंकि यह लड़ाई किरलिया किसानों की नहीं है,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 23 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਦਾਹਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ, ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसानों का ये आंदोलन, जब वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन को जो है खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। जिस तरीके से खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरवाला के पोस्टर को लेकर ये बवाल देखने को मिला, लेकिन वहां पर मौजूद एक राष्ट्रवादी सिख कह सकते हैं, जिस तरीके से वो इन लोगों से भिड़ते नजर आ रहे हैं कि यहां पर गुरुओं की फोटो लगाई जाए, ना कि जनरल सिंह भिंडरवाला की। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।